हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज़ द नोटिफिकेशन फॉर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड दिस इज़ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 7 सितंबर 2023 टू 27 सितंबर 2023। ठीक है, एंड दिस इज़ स्टार्टेड फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर इन SBI, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, सो यू हैव टू गो टू दिस वेबसाइट, दैट इज HTTP bank.sbi.careers/current-openings। यहाँ पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है बिफोर 27 सितंबर 2023 फॉर पेमेंट ऑफ फी अल्सो। ठीक है, नाउ यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, जस्ट दे हैव गिवन अबाउट द OBC। इफ़ यू आर OBC यू हैव टू बी सबमिट नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस टेबल, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग और एडिटिंग मॉडिफिकेशन ऑफ अप्लीकेशन बाई कैंडिडेट्स फ्रॉम 7 सितंबर टू 27 सितंबर है। अप्लीकेशन फी सेम डेट्स है। देन डाउनलोड ऑफ प्रिलिमरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर, दैट इज 2nd week of October 2023, मतलब एग्जाम है 2nd week of October में। देन यहाँ पे भी अगेन phase 1, phase 2, phase 3 है। phase 1 इज प्रिलिमरी एग्जाम विच इज इन नवम्बर एंड ऑनलाइन मेन एग्जाम रहेगी दिसंबर में, नवम्बर दिसंबर। ठीक है, दिसंबर जनवरी तक रहेगी वो। देन डिक्लेरेशन रहेगा रिजल्ट का दिसंबर और जनवरी में। देन डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर, दैट इज phase 3, जनवरी और फेब में रहेगा। देन phase 3, दैट इज साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज। सो जनवरी फेब, मतलब ये October 23 से स्टार्ट होके 24 तक जाएगा, दैट इज मार्च तक। ठीक है, यहाँ पे भी अगेन सेम लाइक अदर एग्जाम्स, यू कैन ऑप्ट प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी। इसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा एंड डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स वो भी दिया है अक्टूबर में 1st week, एंड प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग रहेगी आपकी 2nd week of October, मतलब जब आपको ये मिलता है कॉल लेटर्स फॉर द प्रिलिमरी एग्जाम, तब आपको आपका ट्रेनिंग होगा। ठीक है, एंड आपको बैंक का वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा फॉर दिस पर्पस। ना वैकेंसीज देख लेते हैं, करंट वैकेंसीज है 300, बैकलॉग उन्होंने दिया है हैंडीकैप के लिए। सो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है 2000। ठीक है, जनरल के लिए 810 है, EWS के लिए 200, OBC के लिए 540 है। ओके, सो अपने हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं आप। सो मेन थिंग है कि अगर आपका OBC है एंड इफ़ यू डोंट हैव नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, सो यू विल बी लाइक ट्रीटेड एज जनरल ओनली, जनरल कैटेगरी में आएंगे आप। ठीक है, सो बाकी डिटेल्स है। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज यू नो दैट इज ग्रेजुएशन रहना चाहिए और पास्ट ग्रेजुएशन रहना चाहिए, नॉट अप ईयर वन। एंड फॉर्म फिलअप के टाइम पे आपको लाइक परसेंटेज जो भी है वो CGPA में आप कन्वर्ट करके फिलअप करना है। हाँ, एज लिमिट है नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड नॉट अबव 30 ईयर्स। ओके, एंड एज रिलैक्सेशन दिया है फॉर SC ST 5 ईयर्स, फॉर OBC 3 ईयर्स, एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी उनको दिया है। ओके, सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, यू कैन गो थ्रू द PDF, आई विल पुट द PDF इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हाँ, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। सिलेक्शन प्रोसेस है 3 phases के थ्रू होगा, प्रिलिमरी एग्जाम, उसका उन्होंने पैटर्न दिया है क्या क्या रहेगा। देन इट इज ऑफ 100 marks फॉर 1 hour। देन सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेन एग्जामिनेशन कैसे रहेगा कि फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम होने के बाद देर विल बी नो एनी कट ऑफ। ओके,
वो मेरिट लिस्ट लगाएंगे, देन मेन एग्जामिनेशन रहेगा आपका 200 मार्क्स का, विच इज़ हैविंग टू सेक्शन, दैट इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहेगा। बट ऑब्जेक्टिव टेस्ट अगर पास होते हो आप, तभी आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देने देने के लिए अलाउ कर देंगे सेम टाइम पे। ये तो पेनल्टी मार्क्स है, वो तो हर एग्जाम में रहता है। एंड अगेन क्राइटेरिया फॉर फेज 3, दैट इज कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट लगाएंगे। एंड फेज 3 है साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू, वो बैंक कंडक्ट करेगा, विच हैविंग फॉर ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स है, इंटरव्यू के लिए 30 है, सो टोटल 50 मार्क्स का रहेगा। सो एग्जामिनेशन सेंटर्स है, और हाँ यहाँ पे दिया है उन्होंने, सेंटर्स ने दिया, लेकिन यू कैन नॉट चेंज वंस यू सिलेक्ट दिस एग्जामिनेशन सेंटर। और ये सब बाकी डिटेल्स है जो भी आप पढ़ सकते हो बाद में। सो इम्पोर्टेंट क्या है, 27 सितंबर से पहले आपको फॉर्म भरना है, देन गो थ्रू द सिलेबस ऑल्सो, सिलेबस इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द बैंक। ठीक है, सो ये है एडवर्टाइज फॉर पीओ के लिए, दैट इज प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।